नमस्कार। अब मैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लास 11th का चैप्टर 3 का, विस्थापन, दूरी, पिंड और इन सभी भौतिक राशियों पर आधारित कुछ प्रश्न। आइए पहले हम जानते हैं कि गति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। तो गति विज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा या तथ्य में पहला टॉपिक आता है, इसका नाम है पिंड। क्या नाम है? पिंड। पिंड किसे कहते हैं? व्हाट इज बॉडी? ठीक है, पिंड की परिभाषा है, देखिए ध्यान से। यदि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे कार, गेट, लकड़ी का गुड्डा आदि पिंड कहलाता है। या देखिए और सिंपल परिभाषा है, हमारे आंख के सामने जो भी चीज सामने दिखाई देता है सब का सब गति विज्ञान की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड। यहाँ तक का मार्कर भी मेरा क्या है? पिंड। मैं खुद एक क्या हूँ? पिंड हूँ। तो मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में जो भी चीज पिंड दिखाई देती है हमारे नाम से वो क्या है? पिंड है। ठीक है, दूरी दूसरा क्या है? दूरी का डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी यात्रा के दौरान तय की गई संपूर्ण रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो गति के दौरान जितना रास्ता कवर करेगा, जितनी रास्ते की लंबाई कवर करेगा, वो सभी रास्ते की लंबाइयां क्या कहलाती हैं? दूरी कहलाती हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, इसलिए इसे अदिश राशि कहा जाता है। इसका एसआई मात्रा मीटर होता है और दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। आप कभी सुने होंगे जैसे हम कह रहे हैं कि पटना से मुगलसराय के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। ठीक है, कोई अगर बोल दे कि पटना से मुगलसराय के बीच की दूरी -50 किलोमीटर है तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि दूरी का मान ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस चीज को आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल भी धनात्मक होता है। तीसरा टॉपिक है विस्थापन। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बॉडी डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। क्या मैंने बोला कि प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, अब ये बात पूछती है कि प्रारंभिक बिंदु किसे कहते हैं? तो पिंड जिस बिंदु से गति प्रारंभ करता है उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जिस बिंदु पर अपनी गति करना बंद कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को हम यस से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? यस से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, यह एक सदिश राशि होता है। विस्थापन याद रखिएगा सदिश राशि होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। जब ये सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। जब दिशा होगा तो इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा सदैव प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की होती है। कई बार वायदान पूछा जाता है आपके कि विस्थापन दिशा किधर होती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की होती है। बच्चों के दिमाग में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की ओर होती है। ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल पालना नहीं है, एकदम फ्रेश नॉलेज रखिए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है, इतना आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने ये फिगर बनाकर समझाने का प्रयास किया, जैसे मानिए बिंदु ए से कोई पिंड चलना प्रारंभ करता है, ऐसे 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 चल के बिंदु बी पर लास्ट में रुक जाता है। तो जहां से पिंड चलना प्रारंभ करता है उसे बोलते प्रारंभ बिंदु, और जहां रुक जाता है उसे बोलते अंतिम बिंदु। तो अब देखिए ये पूरे रास्ते की जो लंबाई है ना, यही क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। और ये जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई है ना, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ये तीन क्या बता रहा? विस्थापन की दिशा बता रहा है। विस्थापन दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर दिखाई गई है। ठीक है, इसमें दिशा नहीं दिखाया गया क्योंकि दूरी में दूरी एक सदिश राशि नहीं होती, इसमें दिशा एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे मैंने बताया है कि दूरी एवं विस्थापन में संबंध, याद रखिएगा दूरी का मान सदैव विस्थापन से बड़ा होता है या तो बराबर होता है। मैंने क्या बोला? दूरी का मान सदैव विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है। ऑलवेज दूरी बड़ी होती है विस्थापन के या तो बराबर होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कब बराबर होती है? याद रखिएगा जब पिंड सरल रेखी गति करता है, जब पिंड सरल रेखी गति करता है तो उस स्थिति में दूरी का मान सदैव विस्थापन के बराबर होता है। दूरी का मान सदैव विस्थापन के बराबर होता है। आगे हम थोड़ा सा एक्सीड करते हैं इस प्रोसेस। अब आइए हम सीखते हैं कि विस्थापन एवं दूरी पर आधारित प्रश्न को, कि किस तरह से अगर दूरी और विस्थापन प्रश्न आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस होंगे, इसको हम आप क्या करेंगे? सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश है। विभिन्न चित्रों में दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। पहला चित्र, जैसे कोई गतिमान पिंड है ए से चलना प्रारंभ कर रहा और अर्धवृत्त के रास्ते से जाता हुआ बी पर पहुंचता है, यानी अर्धवृत्त की दूरी के बराबर दूरी तय करता है। इस अर्धवृत्त का केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हमसे आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी क्या होगी, तो याद रखिएगा दूरी ये पूरे अर्धवृत्त की परिधि होगी। अर्धवृत्त क्या होगी? परिधि। मैंने क्या बोला? अर्धवृत्त, पूरे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है?
टू पाई आर। तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, जब परिधि में दो से गुणा भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अर्ध परिधि निकल जाएगा और परिधि होगी पाई आर। वही काम यहाँ पर किया गया है। जो दूरी होगी वो क्या होगी, रास्ते की लंबाई होगी, यही रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई, ई रास्ते की लंबाई क्या है, अर्ध परिधि है, और अर्ध परिधि का मान होता है परिधि बटा के दो। तब परिधि होता है वृत्त का 2 पाई r बटा के 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा पाई r, पाई का मान आप जानते हैं, पाई का कितना होता है 22 बटे 7 होता है, और r का मान कितना दिया है 7 दिया, 7 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। दूरी की मात्रा क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर। y क्योंकि यहां पर जो रेडियस दिया हुआ किसमें दिया, सेंटीमीटर में, इसलिए हम यहां मात्रा क्या लिखेंगे, दूरी का सेंटीमीटर लिखेंगे। विस्थापन क्या होगा, तो आपको बताया गया कि पिंड जहां से चलना प्रारंभ करता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जिस बिंदु पर रुक जाता है उसे बोलते हैं अंत बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। विस्थापन की दिशा ए से बी की होगी, ए टू बी होगी, ठीक है, यानी विस्थापन बराबर हो जाएगा AB, और AB क्या है, इस वृत्त का व्यास है, और व्यास बराबर क्या होता है 2 × त्रिज्या, यानी 2r, यानी 2r, तो 2r के बाद दिया 7, 7 × 14, यानी विस्थापन कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही जीएसटी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने पेश है, क्या सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 4 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा हूँ, जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दे रहा हूँ। ये देखिए कोई ब्रेड है, क्या है, ब्रेड है, इसको 4 इक्वल पार्ट किए गए, इसके कितने पार्ट किए गए हैं, 4 इक्वल पार्ट किए हैं, तो बताइए एक पार्ट कितना होगा, 1/4 होगा, इसमें से एक पार्ट काट के निकाल दीजिए तो कितना पार्ट बचेगा, 1/4 टोटल कितना हो जाएगा, 1/4 + 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब ये जो वृत्त की परिधि देख रहे हैं ना, ये पूरे वृत्त की परिधि का 3/4 भाग होगा, इसमें से ये वाला पार्ट कंज्यूम नहीं किया गया है। तो हमने क्या किया, पिंड यहाँ ए से प्रारंभ किया और पूरा यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंचा, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, कि पूरे रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। इस दूरी का मान क्या होगा, पूरे वृत्त की परिधि 2πr का 3/4 होगा। क्यों 3/4 होगा, अभी मैंने बताया कि 1/4 1/4 1/4 तीनों को जोड़ देंगे 3/4 होगा, ये 3/4 भाग है पूरे वृत्त के परिधि का। जब पूरे वृत्त की परिधि का इतना यहां से लेकर यहां तक 3/4 भाग है, तो 3/4 से क्या कर देंगे, वृत्त की परिधि में 2πr से गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे हम क्या पाएंगे, 3/4 3/4 लिख दिया गया, 2 को 2 लिख दिया गया, पाई का मान 22/7 लिख दिया, पूरे r का मान कितना है 7 लिख दिया, 7 लिख दिया, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 काट दिया, 2 अब 4 से मैंने इसको काटा है, ठीक है, 4 से को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से इसको काटा, 2 × 4 2 से इसको मैंने काट दिया 22 को, तो 11 × 22 = 33 हो जाएगा, यानी दूरी आ जाएगी 33 सेंटीमीटर। अब ये विस्थापन निकलते हैं, विस्थापन मैंने बताया विस्थापन परिभाषा कहता है प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु इसकी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होगा भैया, ये प्रारंभिक बिंदु है या अंतिम बिंदु, इन दोनों को मिला दीजिए, ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इस विस्थापन का मान कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये देखिए इसकी लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी, कितना होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यहां लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो बताइए कौन की लंबाई क्या हो जाएगी, तो कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन, ये भी भुजा क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, वही काम यहाँ पर किया गया है। विस्थापन बराबर ए बी हो गया है, विस्थापन बराबर ए बी हो गया है, और ए बी क्या है, कौन है, कौन बराबर होता है कड़ी में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब की लंबाई कितना है 7, लंब की लंबाई भी 7 स्क्वायर है और आधार की लंबाई भी कितना है 7 स्क्वायर है, कौवा 2 कौवा, 2 × 7 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका घात 2 होता है उसका वर्गमूल लेने पर घात 2 हट जाता है, 7 बाहर आ जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो कड़ी में रहेगा, यानी कड़ी में 2 हो जाएगा। और कभी भी दूरी विस्थापन या दूरी हम कड़ी में नहीं रखते, इसलिए इसका मान रख देंगे कड़ी 2 का मान होता है 1/4 रख देंगे बटा गुणे 7 कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 9.898 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोई गतिमान पिंड है जो ए से अपनी गति प्रारंभ करता है, 4 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, फिर 3 सेंटीमीटर दाएं साइड जाता है, फिर 4 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, 3 सेंटीमीटर दाएं जाता है, फिर 4 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, 3 सेंटीमीटर दाएं जाता है, लास्ट में बी पर रुक जाता है। तो कह रहा है कि कुल दूरी कितना तय किया था, कुल दूरी क्या होता है, संपूर्ण रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, सभी रास्ते की लंबाई की दूरी 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 सबको जोड़ देंगे तो पूरा आएगा 21 सेंटीमीटर। तो पूरे रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु ए एवं अंतिम बिंदु बी के बीच की जो दूरी है, जो रेखाखंड की लंबाई है, यही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब विस्थापन निकालने के लिए काम करेंगे, देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण बनेगा ना नव्यास, जैसे ही नव्यास बनेगा तो हम क्या करेंगे, इस नव्यास के स्थान पर क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन की लंबाई क्या हो जाएगी, कड़ी में लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर + आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, कड़ी में हो जाएगा 16 × 9 = 25, यानी कड़ी में 25 जाएगा, 25 का लंब क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो ए से लेकर बी तक की टोटल विस्थापन क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 5 + 5 बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट आइए, अब हम अगला क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दूरी और विस्थापन पर आधारित क्वेश्चन है।
ये क्या कर रहा है कि कोई पिन है जो ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और दाएं साइड यानी उत्तर दिशा में 3 सेंटीमीटर चलता है और बी को पहुंचता है कि बी से ऊपर चलता है 4 सेंटीमीटर और सी पर पहुंचता है, लास्ट में सी पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर हो जाएगा रास्ते की लंबाई कितना हो जाएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन के लिए मैंने बताया है, ये देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 अनुजा क्या कहते हैं कोण कहते हैं, क्या कहते हैं कोण। अब देखिए यहाँ चला था पिंड, यहाँ पर जाकर रुका है, यहाँ से जहां चला उसको बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पर जाकर रुका है उसको बोलेंगे अंतिम बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इस विस्थापन रेखाखंड एसी की लंबाई ही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। और एसी की लंबाई बराबर हो जाएगा कर्ण की लंबाई हो जाएगा, कर्ण की लंबाई बराबर हो जाएगा कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 = 25, कड़ी में 25 जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी हम लिखेंगे विस्थापन 5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन पांचवा देखिए क्या कह रहा है, एक कोई पिंड है जो ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और 10 सेंटीमीटर बी चलकर बी पर पहुंचता है और फिर बी से 12 सेंटीमीटर दूर तक करके दाएं साइड सी पर पहुंचता है और सी से बी 15 सेंटीमीटर दूर तक करके कहां पहुंचता है डी पर पहुंचता है। तो कुल टोटल कितना दूरी तय किया, टोटल दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर + टोटल ये वाला 15 सेंटीमीटर। संपूर्ण रास्ते की लंबाई दूरी कराती है, इतना याद रखिए, जहां जैसे जैसे पिंड चल रहा है उसके दूरियों को जोड़ते चले जाइए, सारे रास्ते को लंबाई जोड़ते चले जाइए और सारी दूरी आप अपडेट कर सकते हैं। जब इन दोनों को ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा 37 सेंटीमीटर। ये आपको आसानी है, बहुत ही आसान है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। विस्थापन कैसे निकाला जाएगा, देखिए प्रारंभिक बिंदु हमारा ए है और अंतिम बिंदु क्या है डी है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। आइए इसको ऐड कर लेते हैं, जब इसको ऐड करेंगे और एक काम और कर लेते हैं, हम यहां से एक लंब डालते हैं यानी बिंदु ए से हम सीधी रेखाखंड पर एक लंब डालेंगे। जैसे लंब डालेंगे देखिए ए इसका नाम लेते हैं ई, ए ई डी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कोण कहते हैं, यही कोण हमारा क्या है विस्थापन है। क्या है विस्थापन, क्यों विस्थापन है, क्योंकि ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड की लंबाई क्या कहलाएगी विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन बराबर हो जाएगा एडी और एडी क्या है कोण है, कोण की लंबाई बराबर पाइथागोरस के प्रमेय से होता है कड़ी में लंब का स्क्वायर, लंब के इसको मैंने मान लिया 12 का स्क्वायर + आधार इसको मान लिया मैंने 5। अब कहेंगे सर 5 कैसे आता है, ध्यान से देखिए जैसे इसको लंब डालेंगे तो अगर नीचे भी लंबाई है 12 सेंटीमीटर भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि आयत हो गया, आयत का सामने भुजा क्या होती है समान होती है। अगर ये 10 है तो भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब पूरी लंबाई कितनी है 15, पूरी लंबाई कितनी है 15, अब 15 में से अगर भाई 10 माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 5, ये हो गया 5, ये हो गया 12, तो क्या लिखेंगे कोण बराबर यानी विस्थापन एडी बराबर लिखेंगे कड़ी में 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, कड़ी में 124 + 25 जुड़ेगा कितना जाएगा कड़ी में 169 हो जाएगा। जब 169 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 13, यानी विस्थापन बनाएगा 13 सेंटीमीटर। आई होप इस चीज को समझे होंगे, ऐसे अगर और भी आपको क्वेश्चन समझना है जानना है तो आप कमेंट करें ताकि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। ठीक है, जय हिंद।